Hello students, I am Dr. Priyanka and now we have come across, अब हम लोग अपने last unit of the syllabus पे आ चुके हैं, that is the ecological unit and we have come the four chapters in this ecology unit of 12th CBSE board. So in this chapter we have, let's start with the first chapter called the chapter number 13, that is organisms and population. सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इकोलॉजी की कि इकोलॉजी है क्या एंड व्हाई वी हैव हम लोगों ने पिछली वाली यूनिट किया बायोटेक्नोलॉजी वी हैव कम विद टू चैप्टर्स उससे पिछली वाली यूनिट हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एंड बहुत सारी चीजें करी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हम लोगों ने चार चैप्टर्स पे बातें की काफी सारी. नाउ बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं अपने हम लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इकोलॉजी क्या है. बच्चे हम लोगों ने ये कैसे किया कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने किया कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं किन बेसिस पे. जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में हमने किया कि हाउ नेचर इज एवोल्यूटिंग इन एवरी पॉपुलेशन. ठीक है, हाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी लगाई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. उसके बाद हम लोगों के मोस्ट कॉमनली आने वाले डिजीजेस थे, हम लोगों ने टेक्निक्स यूज की जीन मोल्डिंग वगैरह, हम लोगों ने हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर अस, राइट. उसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातें की जिसमें हम लोगों ने जीन मॉडलिंग पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने प्लांट मॉडलिंग पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या क्या यूज की हैं. अभी हम लोग बात करेंगे कि एक इकोसिस्टम में, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी यूनिट जहां पे सारा एक बैलेंस्ड सिस्टम चल रहा है. अभी हम लोगों का अर्थ है लाइक दिस इज अ सिस्टम. आप थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि वन सिस्टम, देर आर टू सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहते हैं. इक्विलिब्रियम स्टेट किस कहते हैं, जब दोनों सिस्टम बैलेंस्ड हो जाते हैं, राइट. दैट मीन्स कि अगर ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस, मैटर, हीट, एनर्जी विल बी सेम फॉर बोथ द सिस्टम, राइट. अगर दो सिस्टम रखे हुए हैं तो वन सिस्टम एंड टू सिस्टम का दोनों का सेम हीट ट्रांसफर हो रहा है. ऐसे ही अगर मैं कह देती हूँ कि वन सिस्टम है एंड सेकंड सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज अ नेचर, जो दूसरा सिस्टम है वो एक यूनिवर्स है और उसका हम लोगों का ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, तो हम लोगों ने उसमें थ्री लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़े होंगे. अभी हम लोग सिंपल से बात करते हैं इको सिस्टम की. दैट मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम, दैट मीन्स अ नेचुरल सिस्टम इन विच एवरी पॉपुलेशन, एवरी ऑर्गेनिज्म. वी आर नॉट द सिंगल पॉपुलेशन विच इज लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, राइट. हम लोग एक ही नहीं है कि ह्यूमन्स ही ह्यूमन्स रह रहे हैं सिर्फ. अगर ह्यूमन्स ह्यूमन्स रह रहे होते हैं तब भी हमारा काम नहीं चलता, ठीक है. सो एवरी, हम लोगों ने 11th क्लास में एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हाउ द एनिमल्स आर एवोल्यूटेड, ठीक है. वर्टिब्राट्स आए, हेमिकॉर्ड्स आए, फिर वर्टिब्राट्स आए, फिर वर्टिब्राट्स के आगे लास्ट में मिले क्लास में मिलेलिया किंगडम बनी, राइट. तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि देयर आर मेनी मोर स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, यू कैन से किंगडम्स, यू कैन से जनरा आर लिविंग इन द सेम इकोलॉजिकल सिस्टम शेयरिंग अ सेम एनवायरमेंट. एंड वी ऑल आर बर्ड्स हैं, वो सेम एनवायरमेंट हम लोगों का यूज करती है. हम लोग भी सांस लेने के लिए सेम एनवायरमेंट यूज करते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना हम कह देंगे नहीं 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 हम लोग भी सिर्फ ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, हम बर्ड्स को नहीं करने देंगे, राइट. हम लोग ऐसा नहीं करते. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है, हम लोग उनके नेचुरल हैबिटेट्स में जाके उनको डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं फिलहाल. अभी हम लोग नेचुरल हैबिटेट फ्लोरा एंड फौना को यूटिलाइज जुडिशियली ना करते हुए उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा कर रहे हैं. तो उनका उनको हम लोग मतलब एक स्पेस में, एक पेस में एक ग्रोथ मेंटेन करते हुए रहना, ठीक है. हम लोग जिसमें एक मतलब जैसे एक जब हम छोटे थे एक छोटी सी कहावत हम लोग सुनते थे कि एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ इज लाइक अ फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज लाइक कि वसुदेव कुटुंबकम का मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ फैमिली लाइक स्ट्रक्चर एंड वी शुड हैव अ रिस्पेक्ट एंड वी शुड हम लोगों के दिमाग में एक ये भावना होनी चाहिए कि उसको भी हार्मनी के साथ रहने दिया जाए क्योंकि उसका भी इक्वल राइट है. इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका भी इक्वल
राइट है जितना हमारा है, राइट। तो इसी को इकोलॉजी कहते हैं। इसी यूनिट में हम लोग सारी ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक कॉन्ट्रीब्यूटेड तरीके से ग्रोथ मेंटेन करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ मेंटेन करते हैं, और कैसे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं इन अ गिवन ज्योग्राफिकल कंडीशन, हाउ दे आर अडैप्टिंग द डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन। और फॉर एग्जाम्पल है टुंड्रा रीजन के पीपल ने, टुंड्रा रीजन की स्पीशीज ने या एनिमल्स ने या पॉपुलेशन, लेट अस से आई हैव सेड टुंड्रा रीजन की पॉपुलेशन ने उधर का उनको अडैप्ट कर लिया है। उनका अडैप्टेशन का क्या मतलब होता है? उनका अडैप्टेशन का मतलब बच्चे ये होता है कि उनको अडैप्ट करने का मतलब है कि उन्होंने अपने नेचुरल ज्योग्राफिकल कंडीशन को इन सच अ वे अडैप्ट किया है कि वो उनका सर्वाइवल आराम से हो रहा है वहां पे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरा, उनका रिप्रोडक्शन और जो उनका रिप्रोड्यूस करने के तरीके हैं वो उधर नॉर्मली हो रहे हैं। अगर आप उनको निकाल के कहीं और रख देंगे, नेचुरली दे विल सर्वाइव, लेकिन उसमें क्या होगा? डिजास्टर आएगा। क्या डिजास्टर आएगा? डीग्रोथ आएगी। सबसे पहले तो डीग्रोथ का क्या मतलब है? डीग्रोथ आएगी का दैट मींस कि उनकी कुछ कुछ पॉपुलेशन क्या पता सर्वाइव कर जाए, कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव ना कर जाए। अब यह तो है नहीं कि कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ पॉपुलेशन मर जाएगी, कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाएगी, फिर उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे वो फिर वो उसको अडेप्ट कर लेगा उस जगह को थोड़े दिनों बाद, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, राइट। बट ऑब्वियसली अगर वो एक रीजन में रह रहे हैं और उन्होंने उन कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया है, वो पीसफुली एनवायरमेंट में स्टेबल रह रहे हैं, दैट मींस कि वो उनका एक अडैप्टेटिव इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, राइट। तो ऐसे ही हम लोगों का इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है कि एक स्टेबल एनवायरमेंट में जहां के एक बैलेंस सिस्टम से चलना अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसको अडैप्ट करना और उसमें थोड़े 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 एवोल्यूशन के साथ चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कह दे सडनली, राइट, कि मुझे साउथ में जाके रहना है या मुझे ब्राजीलियन सिटीज में जाके रहना है, वहां पे मैं कभी भी नहीं गई हुई और सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, मुझे जंगल में जाके रहना है लेट अस सपोज, ठीक है, तो विल आई एबल टू सर्वाइव? मैन वर्सेज वाइल्ड तो हूं नहीं, बेयर ग्रिल्स तो हूं नहीं कि कुछ भी खा के काम चला लूंगा। सो दैट इज मीन्स कि द सर्वाइवल at those harsh places, at those places where my body is not even adapted for a single day, मेरी body उन जगहों के लिए बनी ही नहीं है, survival करना बहुत मुश्किल है मेरी body के लिए, क्लाइमेट मार देगा, जानवर मार देंगे, मुझे तरीके नहीं आते हैं। अब जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, वो कैसे कैसे सर्वाइव करके अपना, हम लोग डिस्कवरी देखते हैं तो कैसे कैसे कितने अलग अलग तरीकों से सर्वाइवल करते हैं। हम लोगों को वो तरीके जब तक हम वो वहां रहने नहीं लगेंगे, हमारी पीढ़ियां रहने नहीं लगेंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम तो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अभी हम दिल्ली में रहते हैं तो हम लोगों को दिल्ली का सर्वाइवल पता है कि भाई यहाँ ये मिलेगा, यहाँ मैकडोनल्ड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे जरूरत का सामान मिलेगा, यहाँ ऐसे जाना है, वहां वैसे जाना है, राइट। हम लोगों का अडाप्टेशन हो गया है कि अगर यहाँ ऐसे जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसे जाएंगे तो ऐसा होगा, हम लोगों को रास्ते पे पता है। बट अगर मुझे कहे कि फॉरेस्ट में सर्वाइवल करना है, तो मे बी ऐसा नहीं है कि मैं सर्वाइव ही ना कर पाऊं, मैं क्या पता सर्वाइव कर जाऊं, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी टू सर्वाइव, राइट। सो उसको कह देते हैं अभी मेरी बॉडी उस चीज के लिए अडाप्ट नहीं हो, क्या पता मैं मर जाऊं बिकॉज ऑफ द अनअडैप्टेबल, क्या पता मेरी बॉडी अनअडैप्ट कर ले, मेरी बॉडी उसको अडैप्ट ही ना करे उस टेम्परेचर को, उस क्लाइमेट को, उस कंडीशन को। सो दिस इज द इकोलॉजिकल सिस्टम जहां पे इन गिवन एरिया आप एक पीसफुल एनवायरमेंट में अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट, अपनी पॉपुलेशन को आगे लेके जा रहे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे। इकोलॉजी कम से कम 20 यूनिट की है, ठीक है, 17 मार्क्स की बेसिकली इकोलॉजी आएगी बोर्ड में, तो उसको हम लोग इसमें से ये चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इकोलॉजी का जो 13 चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एक बार दिमाग में ले लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी अडैप्टेशन की।
any attribute of the organism. अभी एट्रीब्यूट से क्या समझते हैं आप लोग? मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, दैट एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. एंड सर्वाइव के साथ साथ क्या? रिप्रोड्यूस. सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. राइट. तो अब अडैप्टेशन का क्या मतलब हुआ? कि सर्वाइव करना, किसी स्पीशीज को इन अ गिवन रीजन में सर्वाइव कर पाना और आराम से इजीली रिप्रोड्यूस कर पाना, ठीक है, वो उसका अडैप्टेशन हुआ. अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, इजीली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो आप उस कर, आपने उस कंडीशन को, उस एरिया को, इकोलॉजिकल सिस्टम को अडैप्ट कर लिया. राइट. दूसरा मेरा कंसेप्ट आता है इसमें, कैरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता. ठीक है. अभी इसका क्या रिलेशनशिप है, तो इसको हम लोग देखेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन सस्टेन्ड by a given habitat is called carrying capacity. मैंने अभी आपको बताया, for example, जो population tundra region में रह रही है, ठीक है, अभी वो tundra region में रह रही है, तो tundra region में वो कैसे survive करेगी? अब उनको suddenly बोल दिया जाए कि भाई आपको एक desert condition में रहना है, तो ऑब्वियसली वो वेल अडेप्टेड है इन टुंड्रा रीजन. ठीक है, वेल अडेप्टेड है टुंड्रा रीजन में. अभी उनको सडनली बोला जा रहा है कि आपको डेजर्ट कंडीशन में रहना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, सारे मर जाएंगे. कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल, 10 पॉपुलेशन में लोग हैं, तो क्या पता 3 मर जाए, 4 बाकी सारे सर्वाइव कर जाए, बाकी 4 गिर पड़ के बीमार हो जाए, कुछ हो जाए उनके साथ, प्रॉब्लम हो जाए. तो इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी है कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के सबसे ज्यादा इंडिविजुअल, चाहे वो टाइगर हो गया, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया, जितने ज्यादा मेंबर्स सर्वाइव कर रहे हैं एनवायरमेंट चेंज करने पे, आप उसको कह देते हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी. राइट. नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है मेरा, कॉन्फर्मर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट 12th के बच्चों की एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि सारी इकोलॉजी खत्म हो जाती है, उनको कन्फॉर्मर्स कोई नहीं पता होता है. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है. तो द ऑर्गेनिजम्स which cannot maintain a constraint, or you can say not constant, you can say constant, uniform, you can say internal environment इंटरनल एनवायरमेंट को आप ऐसे कह सकते हो बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, इंटरनल को बॉडी टेम्परेचर. एंड देयर बॉडी टेम्परेचर
changes with the ambient temperature. एम्बियंट का मतलब होता है आउटर, बाहर का, या जिस एरिया में वो रह रहे हैं. अभी बच्चे हम लोगों ने कंफर्मर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट विच आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर ओन टेम्परेचर, जैसे छिपकली हो गई, ठीक है, या जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, रैट्स हो गए, बियर्स हो गए. सर्दियों में हाइबरनेशन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे उनकी बॉडी भी वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है, और अगर उनकी बॉडी वो टेम्परेचर नहीं बन पाएगी और उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो मर जाएंगे. सो इन द सच वे, ठीक है, उनको कह देते हैं कन्फॉर्मर्स विच कैन नॉट एबल टू मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. एम्बिएंट यू कैन से आउटर टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, राइट. दैट मीन्स कि जो अभी फॉर एग्जांपल हम हैं, अगर बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या हमारा भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं. हमारी बॉडी क्या क्या करती है, आप लोग शिवर करते हो, ठीक है, आप लोग शिवर करना स्टार्ट कर दो तो जैसे ही आपको ठंड लगती है, वो क्यों करते हो? आपकी बॉडी इटसेल्फ मैकेनिज्म से आपके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखती है. आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस एंड 98 फेरेनहाइट. तो क्या हो रहा है वो, दैट मीन्स आपका वो जो टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो आपकी बॉडी मेंटेन करती है. कभी कभी आपको फीवर हो जाता है, फीवर के बाद आपको बहुत पसीना आ रहा होता है, वो क्यों आ रहा होता है? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से बॉडी आपका वो टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, एक्सीड नहीं करने देती है, ना ज्यादा नीचे गिरने देती है. क्योंकि जैसे ही आपका बॉडी फीवर में आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो जैसे ही बढ़ गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं. इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो आपकी बॉडी उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, उसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगी, ताकि जितने भी आपके अंदर इंटरनल प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर्ड ना हो जाए, राइट. तो इसीलिए उनको कन्फर्मर्स कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एबल टू मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटर एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी की. इट इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म and between the organism and physical, between the organism and physical, that is abiotic environment. Right. It is a subject that studies the interaction among the organism, physical, abiotic, environment. So this term is called as ecology. मैंने अभी बताया कि in a given condition area में एक लोग आराम से, एक specific जाति के लोग आराम आराम से रहने की stable तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप उस unit को ecology कहोगे या ecosystem कहोगे, उस given system को जहां पर different species of लोग stably and peacefully survival करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इंटरेक्शन स्टेबल कर रहे हैं विद अ फिजिकल एबायोटिक. फॉर एग्जांपल उनको आदत हो जाएगी, अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे सूरज देर से निकलता है तो उनका जो बॉडी क्लॉक है, उनका जो बॉडी सिस्टम है, उसी अकॉर्डिंग तरीके से मेंटेन हो जाता है कि उनको सूरज की इतनी ज्यादा जरूरत ही ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है, कैक्टस पे अब राजस्थान में मिलता है या डेजर्ट एरिया में मिलता है, तो उसने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया है. आपने 11th क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में किया होगा, तो उस मॉडिफिकेशन में क्या पढ़ा आपने, आपने उस मॉडिफिकेशन में करा, उसने डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन कर लिया. उस डिफरेंट टाइप के उसने मॉडिफिकेशन में क्या देखा कि डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके उसने
डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके उसने सर्वाइवल और उन कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, एमिग्रेशन. सो रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम species that have left the habitat during time period under observation. जिस time period के लिए आप observe कर रहे हो, ठीक है, under observation and consideration. Right. Next हम बात करेंगे habitat की. Habitat क्या होता है? वो जगह, वो घर, वो area जहां पे organisms रह रहे हैं. So refers to the place of living organisms, right? ये वाले terms करने बहुत जरूरी हैं. ठीक है, एक हम लोगों ने बात करनी है. अब हमने emigration की बात करी. Emigration का एक बार फिर से सुनने का मतलब क्या होता है? Emigration का बच्चे मतलब होता है कि for example एक species में लोग हैं, for example शेर की प्रजाति है और एक उनकी फैमिली है या एक उनकी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन आप लोगों ने देखनी है 10 दिन में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. तो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो इंडिविजुअल कितना उस जगह को, सेम स्पीशीज के कितना उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए, वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं. वो रीजंस हो सकते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसमें बाढ़ आ रही है, उसमें सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, शिकार नहीं है, खाना नहीं है, किसी भी वजह से कुछ स्पीशीज, उस सेम स्पीशीज ऑफ द पॉपुलेशन ने, कुछ लोगों ने वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने का रास्ता मतलब दे हैव लेफ्ट द हैबिटेट. ठीक है, अंडर द कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. So that is called as emigration. Now let us discuss the immigration. Refers to the number of individuals of the same species that come into the habitat from somewhere else during consideration time period, right? तो इमिग्रेशन का उसका एमिग्रेशन का उल्टा, जो लोग चले जाते हैं और कहीं और से कुछ लोग ऐड हो जाते हैं फैमिली में. जरूरी नहीं है कि ऐड हो या जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हो, बट ये होता है कंटिन्यूअसली. कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग ऐड होते हैं. तो उस प्रोसेस को या उस गोन थ्रू पीरियड और टाइम ऑफ कंसिडरेशन को इमिग्रेशन कहते हैं, राइट? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट टर्म. I am encircling it with red color. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी का क्या मतलब होता है बेटे? रेफर्स टू द number of deaths in a population
number of deaths in a population during given period of time. ठीक है, मोर्टैलिटी आपने बहुत किया होगा, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी किया होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेटैलिटी की. नेटैलिटी बच्चे भूल जाते हैं, तो बेटे मोर्टैलिटी अगर बर्थ है तो डेथ है, तो नेटैलिटी बर्थ है. तो रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड. राइट, तो नेटैलिटी क्या है? नेटैलिटी है बर्थ होना, कितनी पॉपुलेशन में बर्थ रेट है, एंड व्हाट इज द डेथ रेट एंड बर्थ रेट. राइट, अगर इस हिसाब से मुझे पॉपुलेशन को डिफाइन करना हो तो हाउ कैन आई डिफाइन? सो पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल of same species occurring in a geographical area share or compete for similar resources and potentially interbreed constitute a population. और यू कैन से रेफर्स टू एज अ पॉपुलेशन. अभी पॉपुलेशन क्या है, कैसे बताओगे आप पॉपुलेशन को कि पॉपुलेशन क्या है बच्चे? तो इसमें आप बताएंगे कि एक स्पेशल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के, यानी कि एक गधा, एक घोड़ा, एक शेर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक ही स्पीशीज के सेम इंडिविजुअल्स या कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप में, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, उस ज्योग्राफिकल कंडीशंस के सर्वाइवल करने के लिए वो कम्पीट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, पानी यूटिलाइज कर रहे हैं खाने के लिए, कम्पीट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, दैट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस पोटेंशियली, दैट मीन्स दे कैन एबल टू रिप्रोड्यूस. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले बेटे सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर स्केच होता है खाना. जब तक बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. तो अगर बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव है इन अ गिवन एरिया में, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल कंडीशंस में या एरिया में, और उनका वो मेटाबॉलिकल एक्टिव है एंड उनकी वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियली इंटरब्रीड, दैट मीन्स दे कैन बी इंटरब्रीड ऑल्सो. ठीक है, और उसको रिप्रोड्यूस करने से वो एक और ग्रो अपनी पॉपुलेशन को तादाद के रूप में बढ़ा पा रहे हैं. जैसे पहले 10 मेंबर थे, अब 12 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, तो उनको उसको कह देते हैं एक पॉपुलेशन. राइट, नेक्स्ट इज टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी. सो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज पर यूनिट एरिया कम वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम ठीक है उसको मैं कह दूंगी. नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटर्स.
ठीक है। रेगुलेटर्स की बात करते हैं, तो रेगुलेटर्स क्या है उनके बारे में लेट अस डिस्कस। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, विच आर एबल टू मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, चाहे उसमें प्लांट्स भी आ गए वो भी इंक्लूडेड है, एक्सेट्रा बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स सो उनको आप कह देंगे रेगुलेटर्स, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट। ये वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी और जो हम लोगों ने पता लगाया, ठीक है, कि हम लोगों ने ये पता लगाया कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अगर आप एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो एक चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशंस में एक पॉपुलेशन कैसे कैसे बिहेव करती है और उनके टर्म्स को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के हम लोग एक दूसरे यूनिट पे चलते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। तो अब हम लोग इस टॉपिक में, ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी एक ग्राफ दे रही है इसमें, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, सबसे पहले एनसीईआरटी इसमें ग्राफ दे रही है जिसमें मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का। अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी ने बेसिकली ये टॉपिक उठाया क्यों, क्योंकि सबसे पहले एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद फोर लेवल्स, ठीक है। जैसा कि एनसीईआरटी ग्राफ्स आप देखें अगर फर्स्ट चैप्टर का, तो जो सेकंड पेज है उसी पे एक ग्राफ बना आता है फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। जैसे पहला ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला लेवल आ गया आपका ऑर्गेनिज्म, दूसरा लेवल आ गया पॉपुलेशन, तीसरा लेवल आ गया कम्युनिटीज और चौथा लेवल आ गया स्पीशीज, या यू कैन से बायोमास। सो लेवल नंबर वन, लेवल नंबर टू, लेवल नंबर थ्री एंड लेवल नंबर फोर। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन जब ग्रुप ऑफ, दैट मीन्स इस पे ऊपर लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी और फिर बायोमास बन जाएगा, दैट मीन्स अ ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज बायोमास। और हम लोगों को ये पता है कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, अब अगर मेरे को इकोलॉजी बात करनी है इस लेवल पे, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी एट दिस लेवल, यहां पे मैं लिख भी देती हूँ इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज असेंशियली फिजियोलॉजिकल
इकोलॉजी, विच स्टडीज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट इन टर्म्स नॉट ओनली ऑफ सर्वाइवल बट not only of survival but also reproduction. ये हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि बेटे इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ये नहीं ऑर्गेनिज्म लेवल पे एनवायरमेंट का बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मैं एक पॉपुलेशन लेवल पे एनवायरमेंट का रोल बताऊंगी तो भाई बहुत, अगर 12 लोग हैं और कुछ को एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है और कुछ को नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन इतनी ड्रेन में, डीग्रोथ में नहीं जा रहा, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है उस पर तो भाई सारम दारमदार आपका इकोलॉजी या एनवायरमेंट पे ही तो राइट है, ठीक है, कि उसको एनवायरमेंट मार भी सकता है नहीं भी, और अगर वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर गया और इजीली सर्वाइवल नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस अडेप्ट करके रिप्रोडक्शन भी उसने अपना अडेप्ट कर लिया है, दैट मींस कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही कैन एबल टू अडेप्ट द एनवायरमेंट एंड ही कैन एबल टू सर्वाइव इन द गिवन कंडीशन एरिया, राइट. इस वजह से रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद ईच बायोम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी of habitats or you can say population. ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ है जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोग ग्राफ से समझेंगे. ठीक है, राइट. अगर एक में मैं इस पे लिख लो डेजर्ट, इस पे लिख लो ग्रासलैंड्स, इस पे लिख लो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, temperate forest. Arctic
एंड एल्पाइन एल्पाइन ट्यूनिका या टुंड्रा यहां पे मीन एनुअल टेम्परेचर यहां पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जिसको आप अगर कर यू कैन कलर इट तो आप इसको कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द एरियाज जिसमें रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस डिपेक्टेड हैं. अभी इसमें क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू ठीक है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस राइट. अब जैसे मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस टेम्परेचर की ले रखी है और रेन की ले रखी है या एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन उसके हिसाब से डेजर्ट और डेजर्ट ग्रासलैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड आर्टिकल एल्पाइन कितने एरियाज में ग्रो कर रहे हैं पहला. अभी अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो इस पे बेटे टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई है लेकिन अगर मैं इसकी मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करूं दैट मीन्स इनकी रेनफॉल की बात करूं तो डेजर्ट में रेनफॉल सबसे कम है. ठीक है ऐसे अगर मैं ग्रासलैंड को देखूं तो बेटे टेम्परेचर ठीक है डेजर्ट से थोड़ा कम है एज नॉट कंपेयर टू ग्रासलैंड्स का है बट उसके साथ साथ उसका जो मीन एनुअल रेट है जो उसका मीन एनुअल रेट है वो भी हाई है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो. ठीक है यहां तक इसके बाउंड्रीज है और अगर आप इसके बाउंड्रीज ऐसे ही इसका टेम्परेचर कम है लेकिन इसका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है. अभी इसका तो बहुत ही ज्यादा है अगर मैं इसकी लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो इसका तो बहुत ही ज्यादा है. ठीक है और इसका मीन है और टेम्परेचर तो बहुत कम है. ठीक है और जहां पे ये तीनों का एक मिला जुला मिलन हो रहा है उन कंडीशंस को. ठीक है ये कंडीशंस एक दूसरे से मैच में जा रही हैं दैट मींस कि थोड़ा थोड़ा पार्ट में ये वाइडली वेराइड कर रही है जिनको आप लोकल वेरिएशंस भी कह सकते हैं इन वन परसेप्टिव राइट. तो अगर अब मैं इन वेरिएशंस की बात करूं तो इन वेरिएशंस में जो ये हम लोगों ने ब्लैक कलर का शो किया है इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूं. ये जो वेरिएशंस बेटे नजर आ रही हैं यहां पे ये जो पिंक कलर का है ये छोटी छोटी लोकल वेरिएशंस है जिसमें थोड़ा पार्ट ऑफ डेजर्ट थोड़ा पार्ट ऑफ ग्रासलैंड थोड़ा पार्ट ऑफ कॉनिफरस टेम्पलेट्स ये सारा आ रहा है जिन जिन वजह से जो टेम्परेचर है वो जो टेम्परेचर है वो है और एनुअल रेनफॉल भी इतनी नहीं है बिकॉज इट इज द लोकल पॉइंट ऑफ मेनी वेरियंट ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट राइट. तो इसमें जो तीनों का ग्रासलैंड सारे हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट सारे हैं और डेजर्ट सारे हैं वो तीनों का एक ही टेम्परेट रीजन में आ रहा है. सो अगर मैं इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करूं एट द ऑर्गेनिज्म लेवल तो बेटे ऑर्गेनिज्म लेवल में अगर सिर्फ डेजर्ट एक ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में सर्वाइवल के लिए जा रहा है तो सबसे ज्यादा मेन अफेक्ट तो उसको फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट ही तो करेगा उसका. अभी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट ही उसका तय करेगा कि उसको कितना सर्वाइव करना है और कितना सर्वाइव नहीं करना.
ठीक है. सो इन एट ऑर्गेनिज्म लेवल, इकोलॉजिकल लेवल का, इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है. अगर मैं बात करूंगी पॉपुलेशन लेवल में, अब मैं पॉपुलेशन लेवल पे हम लोग बात करनी स्टार्ट करेंगे, तो उस पर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉपुलेशन टुंड्रा रीजन में रहती है और उसने अपना पॉपुलेशन, उसने अपना एरिया चेंज करना है, उसने अपना क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करना है. तो जब उसने अपना क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करना है तो क्या हो रहा है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन जब उसने अपना चेंज करना है तब वो देखेगा, सबसे पहले वो देखेंगे, देखा जाएगा एरिया से. एक पॉपुलेशन ने चेंज करना है कि एक पॉपुलेशन में 12 लोग थे, 12 लोग बिल्कुल जाके आए, तो ये थोड़ी है कि सारे के सारे 12 लोग जाके सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. मतलब 50-50 रेशियो है कि क्या पता 10 लोग थे, 5 सर्वाइव कर गए, 5 मर गए. वो तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. अगर मैं ये बात करूं कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने इस कंडीशन से जाके उस कंडीशन में अडेप्ट करना है, सो द चांसेस आर लाइक ऑलवेज कि उसकी तो टोटली डिपेंड 100% कैरिंग कैपेसिटी से कर रही है कि मे ही विल एबल टू सर्वाइव एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग फॉर हिज नॉट सर्वाइवल एंड फॉर हिज सर्वाइवल ऑल्सो, दैट इज द एनवायरमेंट, दैट इज द लोकल वेरिएशन एंड द जनरल. कि क्या पता वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, क्या पता वो ग्रासलैंड से उठ के अगर डेजर्ट में जा रहा है तो ग्रासलैंड एंड डेजर्ट के टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं है, तो टेम्परेचर उसकी वजह से नहीं. और पानी की बात करूं तो डेजर्ट से ज्यादा पानी का टेम्परेचर, मतलब उसको रेनफॉल मिल रही है, सो मे बी ही एबल टू सर्वाइव. लेकिन अगर वो ग्रासलैंड या डेजर्ट से बिल्कुल आर्टिकन एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन में जा रहा है तो क्या उसका टेम्परेचर हो जाएगा? सो ये वेरिएशन है जो कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे चल रही है. एक पॉपुलेशन तो फिर भी हम लोग ग्रोथ देख लेंगे, लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे ग्रोथ देखेंगे तो वो बहुत रेयर चांसेस होगी, विच टोटली डिपेंड ऑन इट्स फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, राइट. अब हम लोग नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग में बात कर रहे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, अभी सबसे पहले अगर मैं एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपका हो गया टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर हम लोगों ने रीजन वेरिएशन अभी देख ही लिया है पीछे, अभी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम अगर मैं पीछे वाले ग्राफ को उठा के देखूं तो एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, जिसको आप रेनफॉल से भी टर्म कर सकते हो, ठीक है, रेनफॉल से भी कर सकते हो. तो अगर मैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स देखूं तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगी टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर कैसे एक गिवन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है? अगर मैं बोल रही हूं कि एक ऑर्गेनिज्म एल्पाइन एंड आर्टिक रीजन में है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज द स्पीशीज ऑफ पोलर बियर्स, राइट. तो पोलर बियर्स हैव द स्पीशीज एंड दे आर कन्फॉर्मर्स, राइट. कन्फॉर्मर्स का क्या मतलब होता है कि दे फेल टू मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर. तो अभी उनको अगर मैं टुंड्रा रीजन में छोड़ दूं या मैं उनको डेजर्ट एरिया में छोड़ दूं तो नेचुरली दे विल फेल टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका एवरीथिंग विल बी लाइक इन द शेप, एवरीथिंग विल बी इन द शेप कि वो सिर्फ उसी रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड varies from one region to other, or you can say seasonally, in physical progressiveness from equator towards ranges of sub-zero levels in the polar areas
एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स. टू लेस देन यू कैन से मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल deserts in manner, right? The next, there is also a unique habitat called as, very important, thermal springs and deep sea hydrothermal. Deep sea hydrothermal and thermal, where average temperature, इनमें बेटे जो condition temperature होता है बहुत harsh होता है, ठीक है, where average temperature exceeds 100 degree Celsius in one go, right? इनका जो temperature होता है वो बहुत ज्यादा harsh होता है thermal springs का and deep sea hydrotherms का, ठीक है. इसमें कुछ micro organisms और कुछ special type के ही रह सकते हैं, ठीक है. अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, सो द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट इज गवर्न्ड is governed by temperature, for example, mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada, Germany, and second example इसमें आप दे सकते हो snow leopards are not found in Kerala forests tuna fish are rarely found in tropical forests in ocean, right? So ये एग्जाम्पल्स हैं. बेसिकली बोर्ड में एग्जाम्पल्स जरूर आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, याद करने वाले हैं. एग्जाम्पल्स जरूर याद कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूं मेजर एबायोटिक फैक्टर का, तो नेक्स्ट इज टेम्परेचर हो गया. अभी नेक्स्ट इज वॉटर. Water availability is very important for the growth of organisms. So, origination, you can say, of life on earth is through was first
स्टार्टेड इन वॉटर. सबसे पहले ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ, दैट मीन जहां से लाइफ स्टार्ट हुई थी, हमारी थ्योरीज जो कहती हैं, वो सबसे पहले वॉटर से स्टार्ट हुई थी, जो कि अनसस्टेनेबल विदाउट वॉटर. इसीलिए कहते हैं कि लाइफ विदाउट वॉटर इज डेड. ठीक है, दैट मीन्स कि पानी की जरूरत, द वॉटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज वेरी मस्ट है. थोड़ा ही पानी, लेकिन पानी की जरूरत हर प्लांट को, हर एनिमल को, हर ऑर्गेनिज्म को, सबको है. ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मीन्स वॉटर इज काइंड ऑफ एन रिसोर्स कि जिसके बिना एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी सस्टेन्ड. ठीक है, द लाइफ विदाउट वॉटर विल बी अनसस्टेनेबल. ठीक है, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज हेवनली डिपेंडेंट ऑन वॉटर फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म केमिकल कॉम्पोजिशन. पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन भी सस्टेनेबल होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पानी इज एज एन रिसोर्स इज समथिंग लाइक जिसका पीएच लेवल सेम होना चाहिए, जिसका एवरीथिंग शुड बी सेम. ठीक है, तो पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन, लेट अस सपोज द मिनरल्स एंड द वॉटर क्वांटिटी, लेट अस सपोज द पीएच वैल्यू ऑफ पानी विल बी सेम फॉर द गिवन पॉपुलेशन. ठीक है, सो वॉटर इज सम काइंड ऑफ एन रिसोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी वॉटर में हम लोग तीन चार चीजें और पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स ऑफ ए मेजर एबायोटिक फैक्टर्स लाइक सॉइल, लाइट. दीज आर द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स इन विच द लाइफ, द ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ आर वेरी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. सो इन दिस यूनिट यू हैव टू कीप रिकोगनाइज द ग्राफ विच वील डिस्कस टूडे and the important definition and the terms we have discussed in the starting of the chapter. So just keep revising. All the best. Best of luck.